तो उसी के चक्कर में हम लोग अपना 5 से 7 लाख या कभी कभी 8 लाख या 9 लाख भी ज्यादा देने के लिए रेडी हो जाते हैं। हेलो, हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। यूके की गलियों में से आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो बहुत गंभीर मुद्दा है यार। इंडिया से बहुत सारे कॉल्स आते हैं मुझे व्हाट्सएप पे, क्योंकि मैं हर एक को अपना नंबर दे देता हूँ, तो कॉल्स आते हैं और उनका मुझे रिप्लाई भी करना पड़ता है। तो आज जो मुद्दा है कि यूके में आने का खर्चा कितना है और आप पे कितना करते हैं इंडिया में, तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। देखते हैं कि इसमें से आपके लिए क्या निकलता है। दोस्तों, इंडिया में बेसिकली पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, शायद यूपी में भी या फिर राजस्थान का कुछ पार्ट जहाँ पे काफ़ी एजेंट्स हैं, वो क्या करते हैं कि आपको पैकेज के नाम पे चीज़ें थमा देते हैं। और यार, उस पैकेज को आपके लिए ना इतना बेनिफिट बताया जाता है कि ये बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए, कि आपका पूरा पैसा जो आपको पे करना है वो वीज़ा के बाद में करना है और उससे पहले आपको एक पैसा नहीं देना है। तो जब आप सोचते हैं, हमारे दिमाग में एकदम से ये बात क्लिक करती है कि यार वीज़ा से पहले कोई पैसा नहीं देना है हमें, तो बस हम उसी जगह पे मार खा जाते हैं कि यार वीज़ा से पहले आपने कुछ नहीं देना हमने। और एजेंट्स आपको बड़ी चालाकी से बोल देता है कि आपने सिर्फ अपनी एम्बेसी फीस देनी है जी, जो नॉन रिफंडेबल है, और आपने अपना इंश्योरेंस देना है जो रिफंडेबल है। और हम इस बात का अंदाज़ा लगाए बिना बिल्कुल झट से हाँ कर देते हैं कि जो नॉन रिफंडेबल पैसे हैं वो आपसे ले रहा है और जो रिफंडेबल है वो खुद कर रहा है, वो खुद पे कर रहा है ना। तो इसी बात में क्या है, एक ट्रिक छुपा हुआ है। यूके हो या कनाडा हो या फिर यूके या कनाडा का ही मुझे पता है, ज़्यादा तो मुझे नहीं पता। तो क्या होता है कि यूके में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको कुछ थाउजेंड या फिर कुछ परसेंट ऑफ फीस पे करके आपको कैश लेटर थमा देती हैं, ठीक है ना। मान लीजिए आपकी जो फीस है वो फुल फीस जो है वो 10,000 पाउंड है, और यूके में सभी कोर्सेज की एवरेज फीस जो रहती है वो 10,000 पाउंड से लेके 15-16 या मैक्सिमम 17,000 पाउंड रहती है। और पैकेज में यही होता है कि एजेंट आपकी हाफ फीस पे करेगा या फिर कुछ क्वार्टर की फीस पे करेगा और उसके बाद आपको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि वो आपका कैश लेटर लेने के लिए जो होता है वो कुछ 1,000 पाउंड ही पे करता है, जो कि उसका रिफंडेबल होता है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के साथ उनका टाई अप रहता है ना। तो पैकेज में अगर उसे उसने 5-7 लाख आपसे बनाना है तो वो आपके ऊपर दाव तो खेलेगा ही 1-1.5 लाख का, ठीक है, या मैक्सिमम 2 लाख का। ये तो रही फीस पेमेंट की बात। और दूसरा एक बहुत बड़ा मतलब झोलझाल चलता है कि आपके लिए फंड्स शो करवाने हैं, है ना। तो खुद ही फंड शो करने की बात भी करता है ना, आपको इधर उधर के गिनवा देता है कि फंड शो करने में इतना खर्चा आएगा, ये होएगा, वो होएगा, और आप उसकी मनमर्जी का पैसा देने के लिए मान जाते हैं। और जो कुल आपका पैकेज बनता है वो 18 लाख से लेकर के 25 लाख के आसपास बनता है पैकेज, है ना। उसमें से एम्बेसी फीस आपने देनी है और प्लस इंश्योरेंस भी आपने कवर करना है अपना। हाँ, हालांकि कई एजेंट्स एम्बेसी फीस नहीं लेते, कई इंश्योरेंस भी नहीं लेते, कई बीच में ही कर लेते हैं। लेकिन देखिए, एम्बेसी फीस है आपकी 30,000 से 35,000, मैक्सिमम 50 लगा लीजिए आप, है ना। और इंश्योरेंस है आपका 70,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का। तो क्या रहता है कि हमारे लोग अपना 30-35 हज़ार बचाने के चक्कर में 5-7 लाख ज़्यादा डुबा लेते हैं। क्योंकि यार देखिए, अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है तो आपको कनाडा भी एक्सेप्ट करेगा, ऑस्ट्रेलिया भी करेगा और यूके भी करेगा। और पंजाब हरियाणा से बच्चे जो हैं ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जा रहे हैं, तो यूके वही आते हैं जिनका प्रोफाइल थोड़ा बहुत कमज़ोर रहता है।
और आपको एक बात बताऊं कि यूके में आप 5-7 साल 10 साल का गैप इजीली यूनिवर्सिटीज लेती हैं, ठीक है ना, और वीजाज निकलते हैं। तो हम थोड़ी यार सिर्फ भागदौड़ करने के चक्कर में ना कि यार एजेंट फंड्स भी शो कर रहा है ना, और खुद ही फीस भी पे कर रहा है, ऑफर लेटर भी मंगवा रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, तो उसी के चक्कर में हम लोग अपना 5-7 लाख या कभी कभी 8 लाख या 9 लाख भी ज़्यादा देने के लिए रेडी हो जाते हैं। और अगर आप मार्केट में निकलें किसी भी सिटी में, तो आपको जो फाइनेंसर्स हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। और एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि ज़्यादातर जो एजेंट्स हैं वो इन्हीं फाइनेंसर से पैसा आपका शो करवाते हैं और उसमें से भी मोटी रकम कमाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी एजेंट ने आपका पैसा शो करवाया है 2% के ऊपर, ठीक है, तो आपको वो बताएगा जी मैंने उठाया 3.5% के हिसाब से, तो 24-25 लाख का 1.5% के हिसाब से कितना बन गया आप खुद लगा लीजिए, क्योंकि 2% तो उसने जो इसने फंड शो किया है उसी ने लेना है, और आपको 3.5% के आसपास बोल के 1.5% खुद कमा लेगा, है ना। तो आप देखिए 1.5% के हिसाब से अमाउंट छोटा है, 1.5% कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जब आप उसी 1.5% को किसी बड़ी रकम के साथ देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट बन जाता है। तो आपका 1-1.5 लाख रुपया तो उधर से निकल गया उसका, 1.5-2 लाख। और दूसरा फिर पैकेज में क्या रहता है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आपको स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड करती हैं, जिसमें से 2,000 पाउंड या 2,500 पाउंड या 3,000 पाउंड या फिर इवन कई बार तो 3,500 पाउंड भी हो सकता है, ये है ना, लेकिन 2,000 एवरेज होता है, तो वो पैसा भी एजेंट खुद ही रखता है, ठीक है। तो एक तो देखिए अभी उसने आपसे पहले पैसा किस चीज़ का लिया, आपने फंड आपके फंड्स में से पैसा लिया उसने कम से कम 1-1.5 लाख रुपया, उसके बाद जो आपकी स्कॉलरशिप है वो रखेगा, ठीक है, जो कम से कम 2,000 पाउंड का हम 2 लाख तो मान के चल सकते हैं। और फिर तीसरा पैसा जो आप ज़्यादा देंगे उसे, मतलब जिसमें उसके प्रोसेसिंग चार्जेस रहेंगे, आपकी फीस के ऊपर लेगा वो अलग से है। तो यार एक एजेंट एक प्रोफाइल में से इस तरह से कम 7-8 लाख रुपया बनाता है, ठीक है, और ऊपर से जो यूनिवर्सिटीज रहती हैं वो इनको फिर पेमेंट भी करती हैं इन एजेंट्स को, है ना, कि इनका रहता है थोड़ा बहुत आपके एडमिशन में, तो वो पैसा अलग से है, वो इसमें काउंट नहीं हो रहा मैं कर रहा मैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको जो पैकेज है वो 24-25 लाख तक दिया जाता है। अब बात आती है कि एक्चुअल खर्चा कितना आता है ना। हाँ तो यार यूके में जो फीस रहती है एक्चुअल फीस वो रहती है 10,000 पाउंड से लेके 15,000 एवरेज हर एक कोर्स की, हो सकता है कुछ कोर्सेस की थोड़ी ज़्यादा भी हो, है ना, लेकिन एवरेज आप मान के चलिए इतनी रहती है, ठीक है। तो उसमें से आप हाफ पे करते हो, आप 15,000 पाउंड मान लीजिए तो 7,500 पाउंड आपने हाफ पे करी और उसका बना 7.5 लाख, और फिर आपने कोई फंड शो करने वाला देखा, उसने आपसे 1.5-2 लाख में फंड्स शो करवा लिए, ठीक है, तो 2 लाख अपने फंड वाले को दे दिया तो हो गया 9.5 लाख, और 1 लाख रुपया आपने अपना इंश्योरेंस खर्चा किया और 50,000 के आसपास आपने अपनी फीस पे की एम्बेसी फीस, तो ये कितना बन गया 7.5 और 2, 9 और 1, 10 और 10.5। तो ये मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बताया है, आप 6 महीने की फीस के साथ 10-10.5 लाख में आसानी से यूके पहुंच सकते हैं, आपको कोई भी नहीं रोक सकता यहाँ पे आने से, ठीक है ना। हाँ कभी कभी क्या होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो फीस हैं वो 80% फीस मांग लेती हैं, तो उसमें आपका खर्चा बढ़ेगा, है ना, लेकिन ये यूनिवर्सिटी आपसे अपना 50% फीस पे या 40% पे या फिर 60% पे, तो आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो खर्चा आएगा वो 11-13 लाख के बीच आएगा, जो कि अफोर्डेबल भी है और जेन्युइन खर्चा भी है। तो अगर आप किसी भी तरह की मुझसे हेल्प चाहते हैं तो आप मुझे कभी भी लिख सकते हैं। तो मैंने आपको एक मोटा मोटा सा कंपैरिजन बताने की कोशिश की कि आप जो अपनी हार्ड अर्न्ड मनी है उसको कैसे बचाना है, क्योंकि अगर आप एजेंट को वहाँ पे 5-7 लाख ज़्यादा दे के आ रहे हैं
तो आपको यहाँ पे आके अपनी फीस निकालनी पड़ेगी। अदरवाइज जो आप 5 से 7 लाख उसको ज़्यादा दे रहे हैं उससे आप अपनी साल की फीस भी पे कर सकते हैं, तो वही आप 17 से 18 में एक साल की 12 से 13 लाख रुपया फीस पे करके या 15 लाख फीस पे करके आ रहे हैं, आप अपना बर्डन फ्री करके आ रहे हैं इंडिया में ही, है ना। तो आप जो भी अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो आप एक बार आने से पहले अच्छे से एजेंट से बात करें कि वो हमसे क्या क्या चार्जेस लेगा। बहुत सारे अच्छे एजेंट भी हैं इंडिया में, और अगर फिर भी किसी को कोई यार सलाह चाहिए मुझसे तो मैं आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ और आपको गाइड करने के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया देखने के लिए, और प्लीज़ आपसे एक और विनती है कि यार मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं, उन्हें अच्छी अच्छी जानकारियां दे सकूं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शब्बा खैर, सत श्री अकाल।